तो ये जो है हम लोगों ने अपने वालेकुम दोस्तों। तो हम लोग आ गए अपनी एक और वीडियो के साथ, लेकिन इस बार जो है हम लोग का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि हम आए पिकनिक पे। तो हम लोग जो हैं बुकिंग के ज़रिए पिकनिक पर आए हैं, लेकिन आपको पता है पिकनिक पे सी साइड वाली जगह पर आ रहा है और हमें कीड़ा नहीं काटे शिकार का, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम बाकायदा हम लोग अपना शिकार का सामान वगैरह भी लेके आए हैं, शिकार वगैरह करेंगे। आज हम मौजूद है फ्रेंच बीच पर, और ये फ्रेंच बीच पर आना अलाउ नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे बड़ी, और अभी जो है हम लोग यहाँ पहुँच तो गए हैं। ये हड वगैरह है सारे, ठीक है। वो सामने जो है बीच हो रहा सामने। अभी जो हम लोग है बस शिकार वगैरह करेंगे, डोरी वगैरह बांधेंगे। बाकी आए तो पिकनिक के लिए हैं, लेकिन आपको पता है पिकनिक में हमें शिकार लगे ना लगे, लेकिन हमें एक कीड़ा है कि हम शिकार करते ज़रूर है, लगे नहीं लगे, लेकिन हमें हमें जो है ना करना ज़रूरी है। तो ये जो है हम लोग अभी जो शिकार वगैरह करेंगे, सही है। वैसे तो पिकनिक के नियत से आए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि शिकार वगैरह लग जाए। अभी ये कि खास चारा नहीं है, चारे में हमारे पास सिर्फ कांटा है और हम लोग जो है चारा हमको मिला नहीं इधर रॉक्स बे के साइड से। तो अभी जो है हम लोग ने आगे हमको मुर्गी की दुकान दिखी थी, हमने वहाँ से आते वगैरह ले लिए, सही ना, मुर्गी का पीस ले लिया है, और जो है अपना जो भी कुछ है हम लोगों ने वो ले लिया सारा शिकार वगैरह का सामान। तो बस ये अभी हम लोग जाएंगे अपनी तैयारी करते, वहाँ जाएंगे पहुँचते अपने बीच की तरफ। तो ये माशाल्लाह बड़ी VIP जगह बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत जगह है, सही है। चारों तरफ हर्ड यार्ड VIP पक्के हर्ड बनाए हुए, और ये सामने इस तरफ है बीच, इस तरफ बीच है, सही है। तो अभी जो है हम लोग जाते हैं अपने पॉइंट की तरफ, वो आगे की तरफ जो है अपना ये हर्ड वगैरह बने हुए, वो आगे की तरफ बीच है, सही है, सामने की तरफ। ये हमारी गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है जिस जगह हम लोग आए हुए, ठीक है ना। ये बोर्ड वगैरह भी खड़ी हुई है, तो चलें फिर चलते हैं, फिर जो भी लगता है बताते हैं। अभी जो है हम लोग बस अपने पॉइंट के लिए निकल गए, और ये हमारे साथ मेरा जो वही जो चाचा हैं और वो रफीक भाई है, हमारे स्कूल के टाइम पे होते हैं। हाँ ये जा रहे रफीक भाई हमारे। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लोग आए पिकनिक पॉइंट पे, हमारे एक और भाई जा रहे हैं, और तो अभी हम लोग जो फ्रेंच बीच में हैं तो पहुँचते हैं अपने पॉइंट के लिए जा रहे हैं। अभी देखो ये देखो यहाँ पे छोटे दाने तो घूमते हुए यही नजर आ रहे हैं, सही ना। तो वही जा रहे हैं, बाहर आए हैं बहुत बड़ी जगह पर, यहाँ आ नहीं सकता है कोई, आने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। वह केकड़े भी है, तो यही चारा पकड़ लो। टोकरा नहीं लाया है, थैलियाँ भर देंगे, थैलियाँ। ये हमारे रफीक भाई जो फर्स्ट टाइम शिकार पे आए हुए हैं, लेकिन वो थैलियाँ भरने की बात कर रहे हैं। शिकार नहीं किया हमारे भाई, ये इनकी मोहब्बत में आ गए भाई, समझे, इनकी मोहब्बत में आए। अरे ये रहा मछली, केकड़ा गया, क्या गया मुझे क्या लगा पता है, नहीं केकड़ा नहीं था वो था क्या बोलते बिच्छू। अरे बिच्छू कहाँ से आ गया, मजाक नहीं करो, बिच्छू है इसके अंदर, हम लोगों ने अपनी रोड वगैरह तैयार कर दी है। वो हमारे बंदे रफीक भाई वगैरह और वो मेरे चाचा वगैरह बैठ खड़े में, सही है। बड़ी VIP जगह है शिकार के लिए, वैसे अच्छी जगह है, सही है। और ये डायरेक्ट डीप भी आ गया, हम लोग डीप की तरफ जाके खड़े में थोड़ा सा, तो ये देख सकते हैं आप लोग, नज़र आ रहा होगा आपको, ये पूरे पथराटी इस तरफ ज़्यादा पथराटी थी, तो हम लोग थोड़ा इस तरफ आए हैं, ठीक है ना। ये जगह बिल्कुल सही है, और वो हमारे रफीक भाई जो है वो देखो लगे हैं शिकार करने में, सही है ना, कोशिश में लगे हैं, आ जाए।
लेकिन ये जो है ये शिकार तो समझ लो हमारा ये टेम्पररी शिकार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर जो जाते हैं वो आप वीडियो में है कि हम लोग जब इंशाल्लाह हम लोग वो उस पर जाते हैं लांच वगैरह में जाते हैं। और ये तो हम लोग ऐसे ही बस पिकनिक की वजह से आए, हमने बोला चलो सी साइड वाली जगह पर है, कीड़ा काट गया, बोला नहीं भाई शिकार भी करके देखेंगे, क्या पता भाई मच्छी नसीब का लगना होगा तो लग जाएगा। तो चलें फिर करते हैं शिकार, पर जो भी कैचेस होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो ये सीन है भाई मज़ा बड़ा आ रहा है, मौसम बड़ा वीआईपी हो रहा है और ये बीच पे मज़ा यार क्या ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और माशाल्लाह से चाल भी हो रही है, लेकिन ये कि वही छोटे छोटे दाने चिलवे घूम रहे हैं वो तंग कर रहे हैं। लेकिन जो है हमें तो थोड़ा ऐसा दाना हो कि फ्राई हो जाए या सालन बन जाए उसका। तो ये कि कोशिश में है कि जब छोटा है तो बड़ा भी आएगा, चिलवे तो हमको घूमते हुए नज़र भी आ रहे हैं सही छोटे छोटे, तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हम लोग लग जाए, अगर नहीं लगा तो कोई मसला थोड़ी है। वैसे ही हमारा एक दो दिन बाद रहमान गोड़ का प्रोग्राम बनेगा, ठीक है ना, हो सकता है कि इसी हफ्ते में बन जाए। बाकी कोशिश में तो पूरे लगे हुए हैं कि शिकार जो है ना लगे, बाकी सारे हमारे जितने भी भाई हैं सब लगे हुए कोशिश में। ये मैंने मुर्गी की आंतें वगैरह भी लगाई हुई, आटा भी पड़ा हुआ है, ये चारा भी ऐसा इतना ख़ास नहीं है। और ये हमारे रफीक भाई और है बोल रहे हैं कोई मच्छी नहीं आ रहा, तो इतना आसान नहीं है भाई मच्छी पकड़ना, जिसको भी पकड़नी है इतना हलवा है नहीं है मच्छी पकड़ना, ठीक है ना। ये रफीक भाई वो बैठे हुए सामने और मेरा, और ये मैं जो अपनी आंतें वगैरह जो लगा रहा हूँ सही है ना, तो ये बाकी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए बाकी सही है ना। चर भी निकाल लो, बस देख लिया आप लोगों ने, ये मेरे पैसे वगैरह अभी लगे हैं ये रहे सब शिकार करने पर सही है ना। चाल तो हो रही है लेकिन वही चिलवे कम कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम लोग, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ऐसी जगह पे वो बंदा आ सकता है जो ख्वारी बर्दाश्त कर सके सही है। हम अगर मैं अगर शिकार के प्रॉपर तरीके से आता तो मैं इस जगह पे नहीं आता कभी भी, क्योंकि मुझे किनारे वाली जगह इतनी ख़ास पसंद नहीं है, ठीक है ना। मैं ज़्यादातर शौकीन हूँ लांच में जाने के लिए, शौकीन हूँ सही सब बात है। मैं ऐसी जगह पर ख्वारी नहीं करता, इससे पहले हम लोगों ने डाम की ख्वारी करी सही है ना, अब डाम भी नहीं जाना भाई सब बात है, ऐसी ख्वारी हमारे को करनी नहीं है। ये देखो मौसम एक अभी तो 2 मिनट के लिए धूप आई, अब देखो कैसी छाँव हो गई, ऊपर बादल वगैरह देख सकते हैं आप लोग ठीक है ना। ये देखो और ये काफ़ी रॉकी एरिया है, नीचे की तरफ ज़्यादातर पटराटी है, ज़्यादातर पत्थर ही पत्थर है, डोर भी फंस रही है, ऐसा नहीं है, बात वही आ जाती है कांटे वेट ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन ये कि पथराटी है तो शिकार भी होगा, घिसर वगैरह भी होंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं डायरेक्ट डीप है। आप यहाँ से खड़े रह के देखें नीचे एक पत्थर, उसके बाद डायरेक्ट डीप है ये कि है ना, काफ़ी रॉकी एरिया है यहाँ की साइड का भी ठीक है ना। लेकिन ये है कि डाइविंग के लिए भी ये एरिया इतना ख़ास सही नहीं है, क्योंकि लहरें जो आ रही है और ये पत्थर डायरेक्ट ब्लेड पत्थर है, मतलब लग गए तो ये फाड़म फोड़ी वाले पत्थर है, ऐसे पत्थर हो रहे हैं। तो जो भी है भाई लगे हुए हैं, वैसे हमको उम्मीद है कि देखो अगर नहीं लगता यहाँ पे तो वहाँ उस किनारे की तरफ वो वाले पत्थर पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से सीधा जो है बड़ा पानी लग रहा है ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा पानी है, डायरेक्ट डीप ही नज़र आ रहा है अंदर का, ये एक ही पत्थर है तो बाकी यही है ना। तो अभी देखो कोशिश में लगे हैं, जो भी लगता है नहीं भी लगता तो खैर है, हम लोग तो अपनी पिकनिक के चक्कर में आए हैं, कोई शिकार का इतना वो नहीं था, लेकिन वही एक कीड़ा होता है वो तो हम लोग को अपना खुड़क मिटानी थी, तो हम लोगों ने बस कोशिश कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह हमारी जो अभी इसी हफ्ते में जो प्रोग्राम बनेगा रहमान गोट का सही ना, तो रहमान गोट का जैसे ही प्रोग्राम बनेगा तो वहाँ तो आपको हम मच्छी दिखाएंगे कि कैसा लगता है, उसमें भी हम अपने सब्सक्राइबरों को लेके जा रहे हैं सही है ना। तो जो भी होगा फिर आपको दिखाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो लगी हुई है। बस यार यहाँ पे भी कोई इतना ख़ास शिकार लगा नहीं है हमारे को, और जो है हम लोग निकलने के लिए अपनी रोड वगैरह लपेट रहे थे, रोड में कुछ भारी वगैरह भारी भारी महसूस हो रहा था, डोर में लगा हुआ, तो मैं खींच के जो है चेक कर रहा हूँ कि क्या लगा है, कोई मच्छी वच्छी तो नहीं लेके बैठ गया है कहीं के, वो चेक कर रहे हैं या फिर कचरा वचरा होगा कुछ, तो यही चेक करने के लिए खींच रहे हम लोग अपनी रोड को। और ये जो देख पता नहीं क्या देखते हम लोग क्या आया, ओहो हो कचरा ही आया, तो वही बात आ गई ना कि कचरा आ गया। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं, क्योंकि अगर फिर आगे टाइम हुआ हमारे पास तो हम लोग करेंगे शिकार, और अगर नहीं हुआ तो फिर निकलेंगे हम लोग।
भाई ये जो है हम लोग जो अभी फारिग हुए हैं, सही है, बड़ी मुश्किलात से खा पी के लपेट के खाना वाना सही है, एकदम फ्रेश हो के खड़े हुए हैं। सही है, अभी ये है कि अभी हम लोग थोड़ी टाइम में निकलेंगे, अभी खाना वगैरह ये पकड़ा, अभी अंदर चल लिए, पार्टी वगैरह चल रही है, जो भी होता है जब तक निकलते हैं तो कोशिश करते हैं, अभी पोजीशन देखते हैं, अगर हुई पोजीशन तो फिर से ज़रा जाते हैं, ठीक है ना, शिकार करते हैं, अगर नहीं हुआ तो अभी थोड़ा नहाने का दिल हो रहा है, थोड़ी गर्मी वगैरह भी हो रही है तो अपने पास नहाने का भी सामान है, डैक का वो करेंगे, थोड़ा नहाएंगे धोएंगे घूमेंगे फिर चलें, तो जाके देखते हैं अभी जो भी पोजीशन होती है या तो दिखाते हैं आपको, फिर निकलते वक्त भी बताएंगे। व्यू चेक करें, ये हमारी गाड़ियाँ जिसमें हम लोग आए हैं, ये यहाँ कैसे आ गया, चलो पानी की तरफ, तो भाई ये देखें फ्रेंड बीच बड़ा ज़बरदस्त, इस तरफ लहरें बन रही है, सही है, और ये जो है यहाँ पे बिल्कुल पानी ठहरा हुआ है, यहाँ पे बोर्डिंग चलती है, यहाँ पे बोर्डिंग बोर्डें जो है ये सारी वहाँ तक स्पीड बोर्ड वगैरह यहाँ पे चलती है, सही है, राउंड वगैरह खिलाती है लोगों को, और ये व्यू चेक करें, और ये पूरा देखो, और ये पीछे हट के हट का हिस्सा बना हुआ है, ये पूरा हट वाला हिस्सा बना हुआ है, ठीक है ना, तो चलें अभी हम लोग जो है अपनी वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि अभी हमारा हो गया है निकलने का टाइम, सही है, तो सही ना, ये शिकार जो है अपना वो तो हमको लगा नहीं, लेकिन हमारी पिकनिक ऐसी टाइट पिकनिक हो गई है कि मज़ा बहुत आया है यार इधर आके, ये है कि लेकिन यहाँ आना अलाउ नहीं है, हर कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, लेकिन ये है कि चलो खैर है, हम तो आ ही सकते हैं, सही है, यहाँ पे ज़्यादातर फैमिली अलाउ है, वो भी पार्टी, ठीक है ना, तो चलें फिर निकलते हैं हम लोग, निकलते हैं और सही ना भाई, निकलते हैं हम लोग बस घर के लिए, फिर जो भी होगा हम आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे, रहमान गोड का प्रोग्राम है हमारा, ठीक है ना, चलें जब तक के थे, अल्लाह हाफिज़।